अरे बाप रे ये क्या, अरे गाइस ये क्या, पूरी ट्रेन ही मुड़ गई यहाँ पर तो। अरे बाप रे ये क्या, अरे गाइस आप देख सकते हो क्या ही स्पीड पे चल रही है हमारी ट्रेन, और यहाँ पर हम ओवरटेक कर रहे हैं झेलम एक्सप्रेस को, वो भी अपनी फुल स्पीड के अंदर, और आप देखना पूरे वीडियो में। और ये देखो गाइस हम झेलम एक्सप्रेस को ओवरटेक कर चुके हैं, और इसके साथ लगाया WHP 7, हम इसे ओवरटेक कर ही रहे गाइस। हाँ गाइस WH 9 लगा है इसके साथ, आप कमेंट करके बताना कौन सा इंजन है। तो मिलते हैं आपको पूरे वीडियो में। हाय गाइस कैसे हो आप लोग। तो गाइस आज हम चलाने वाले हैं अपनी कोटा रतलाम एक्सप्रेस, जिसका हम डिपार्चर करने वाले हैं। तो वेलकम टू द गेमिंग चैनल। तो चलो गाइस इस ट्रेन का हम करते हैं डिपार्चर अपने ऑन द टाइम, इसका सिग्नल हमें मिल चुका है। तो चलो गाइस करते हैं अपन इसका डिपार्चर। हमने थ्रॉटल पावर पूरी 100 लगा चुकी है, और यहाँ पर हम किसी ट्रेन को ओवरटेक भी कर रहे हैं। आप देख ही सकते हो इधर की साइड कोई ट्रेन खड़ी है जिसको हमने ओवरटेक कर दिया है। तो गाइस ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो आपको मज़ा भी उतना ही आएगा। तो चलो गाइस चलते हैं, और यहाँ पर हमारी ट्रेन चल चुकी है अपने ऑन द टाइम पर, और हमें इसका दूसरा डेस्टिनेशन है रतलाम जंक्शन, मतलब दूसरा डेस्टिनेशन। तो हमें रतलाम जंक्शन पर पहुँचना होगा 10:40 पर। अगर ये लेट होती है तो यहाँ पर टाइम चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी कोटा रतलाम एक्सप्रेस चल चुकी है अपने ऑन द टाइम पर, और चलते ही इसने 70-80 की स्पीड पकड़ ली है, और इसकी मैक्सिमम स्पीड है 160। हाँ गाइस अब आप कमेंट करोगे कि ICF ब्रेक के साथ तो 110 की स्पीड से ज़्यादा ट्रेन जा ही नहीं सकती, तो ये 160 की स्पीड पर कैसे जा सकती है। तो गाइस ये तो मेरे को भी पता नहीं। और यहाँ पर आ चुकी है गंगा रिवर, सॉरी गाइस मेरे को पता नहीं है कौन सी रिवर है, ये मैंने नाम नहीं पढ़ा है, तो मेरे हिसाब से तो गंगा या कोई रिवर हो सकती है, अगर मेरे से गलती हो तो माफ़ करना। और यहाँ पर हमारी ट्रेन फुल स्पीड पे चलती हुई अपने 120 की स्पीड पे तो आ चुकी है, और पूरी ट्रेन यहाँ पर मुड़ने वाली है, आप देख ही सकते हो। यहाँ पर हमारी ट्रेन का खूबसूरत स्पीड और खूबसूरत तरीके से मुड़ती हुई हमारी ट्रेन, और सामने की साइड कोई स्टेशन आने वाला है जिसको हम करेंगे स्किपिंग। तो हमें स्पीड थोड़ी स्लो करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ पर अभी 140 की स्पीड लिमिट तो मिल चुकी है, फिर भी हम थोड़ी स्पीड को स्लो कर देते हैं, आगे जाके हमें पता नहीं क्या स्पीड लिमिट मिले। और यहाँ पर हमने वापस से फुल स्पीड कर चुकी है, क्योंकि हमें सिग्नल पूरा ग्रीन मिल चुका है, आप देख ही सकते हो। और यहाँ पर हम फुल स्पीड के साथ, कौन सा स्टेशन है ये, हाँ पारसनाथ स्टेशन को हम फुल स्पीड में क्रॉस करते हुए आप देख ही सकते हो। और यहाँ पर हमारी ट्रेन की स्पीड हो चुकी है 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा, और यहाँ पर हमारी ट्रेन बहुत ही स्पीड में चलती हुई, और अभी तो बहुत सारे स्टेशन को हम स्किप करेंगे, और हमें बहुत सारी ट्रेनें ओवरटेक भी करेगी, आप देख ही सकते हो। और सामने की साइड कोई वापस एक पुलिया आ चुका है, और दामेरी रिवर, हाँ दामेरी नदी है ये गाइस जिसको हम पार करते हुए। और यहाँ पर हमारी ट्रेन की स्पीड हो चुकी है 130 किलोमीटर, हमें मिल चुका है पूरा ग्रीन सिग्नल, अब हमें फुल स्पीड में भगाना है इसको। और अभी एक और स्टेशन आने वाला है जिसे हम करेंगे स्किप, वो भी अपनी फुल स्पीड में, और हमें मिल चुका है येलो सिग्नल पर। हमें येलो सिग्नल से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है ग्रीन सिग्नल आगे जाके हमें मिलेगा। और यहाँ पर अब देखो गाइस अलग अलग सीटिंग पोजीशन कैसी है हमारी ट्रेन के अंदर। ये है गाइस जनरल का कोच, और हम आपको अलग अलग व्यू दिखाते हैं। और अभी हम करने वाले कोई स्टेशन को स्किप, वो भी 150 की स्पीड से, मतलब इतनी स्पीड से हम स्टेशन को स्किप करने वाले हैं गाइस, आप देखना आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखो गाइस धोरो तू वो गाना सुनागा आपने, और ये देख सकते हो आप लोग फुल स्पीड पे हम स्टेशन को स्किप करते हुए। और अभी अपना रतलाम जंक्शन आने वाला है, तो हमें स्पीड को स्लो करनी पड़ेगी, क्योंकि रतलाम जंक्शन पर हमें 10 मिनट का स्टॉप है। और यहाँ पर हमारा रतलाम जंक्शन आ चुका है, ये है रतलाम की गलियाँ, बहुत ही अच्छी लग रही है, खूबसूरत। और येलो सिग्नल हमें मिल चुका है, तो हमें स्पीड को स्लो करनी है, थ्रॉटल पावर हमें 6 या 7 की थ्रॉटल पावर लगानी है, जिससे ये स्टेशन तक तो पहुँच ही जाए, क्योंकि आउटर पे हमें नहीं रोकेंगे, क्योंकि हम बिफोर नहीं आए हैं, अपने ऑन द टाइम पर आए हैं। अगर हम बिफोर आ जाते तो हमें आउटर पे ही रोका जा सकता था। और यहाँ पर हमारी ट्रेन रतलाम जंक्शन पर धीरे धीरे अराइवल हो रही है, और यहाँ पर हमारे रतलाम जंक्शन बस आने वाला है गाइस, और हमें येलो सिग्नल तो पहले से ही मिला हुआ है, और हमें 100 मीटर के बाद येलो सिग्नल मिलना भी बंद हो जाएगा, फिर हमें लाल सिग्नल मिल जाएगा, बोले तो रेड सिग्नल। तो यहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं रतलाम जंक्शन पर, आप देख ही सकते हो रतलाम जंक्शन बस आने वाला है, हमें धीरे धीरे करके रतलाम जंक्शन पर अराइवल कराना है। और यहाँ पर हमारा ट्रेन रतलाम जंक्शन पर आ रहा है, क्या ही स्पीड मतलब लग रही है, मतलब क्या ही खूबसूरत लग रही है हमारी ट्रेन गाइस।
और गलती से मेरे मुंह से कोई अलग शब्द निकल जाए तो माफ़ करना गाइस, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है। और आप देख ही सकते हो धीरे धीरे रतलाम जंक्शन पर हमारा अराइवल हो रहा है गाइस। और यहाँ पर रतलाम जंक्शन का स्टेशन बहुत बड़ा है गाइस, मैं खुद भी गया हुआ हूँ रतलाम जंक्शन पर, मतलब मैं खुद पर्सनल गया हूँ रतलाम जंक्शन पर, जहाँ का स्टेशन बहुत बड़ा है। मतलब एक प्लेटफॉर्म यहाँ है तो दूसरा मतलब उधर की साइड है, यह नहीं है कि पटरी पार करके दूसरा प्लेटफॉर्म है, ये नहीं, उसका पूरा अपोजिट साइड है प्लेटफॉर्म, अलग अलग है मेरे हिसाब से। और यहाँ पर हम 35 मिनट, 11:40 का टाइम था और हम 11:40 पे ही आ चुके हैं अपने ऑन द टाइम पर। आप देख ही सकते हो गाइस, फुल स्पीड पे तो नहीं आए, स्लो स्लो ही हमारा स्पीड, हमें स्लो स्लो ही ले जाना होगा क्योंकि रतलाम जंक्शन बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। अगर हमसे थोड़ी सी भी चूक होती है तो सिग्नल क्रॉस होके हमें बहुत ज़्यादा फाइन लगेगा, इसलिए हमें धीरे धीरे रतलाम जंक्शन पर अराइवल कराना होगा। और यहाँ पर हमारी ट्रेन रतलाम जंक्शन पर बस आई गई है, तो हमें इसको रोकने के लिए थिएटर पावर थोड़ी कम करनी पड़ेगी। और गाइस आप देख ही सकते हो रतलाम जंक्शन, और यहाँ पर कुछ टाइम यहाँ पर 12:38 की देर का है। बिफोर आ गए क्या हम? बिफोर तो नहीं आए मेरे हिसाब से, क्योंकि हम राइट टाइम ही चल रहे थे, और बिफोर तो आए होंगे, 2-3 मिनट तो बिफोर चलता है गाइस, उससे हमें कोई आउटर पे नहीं रोकते हैं। और यहाँ पर हमारी ट्रेन रतलाम जंक्शन पर आके रुक चुकी है। चलो गाइस डोर को करते हैं ओपन, चलो गाइस बैठने देते हैं। चलो गाइस यहाँ पर हमारी ट्रेन का 10 मिनट में साफ सफाई वगैरह होगी और फिर हमें यहाँ से सिग्नल मिलेगा, ग्रीन सिग्नल, जिससे हम यहाँ से चलेंगे। और इधर की साइड कोई ट्रेन खड़ी है गाइस, उसका भी सिग्नल हमारे हिसाब से हमारे साथ में ही होगा, तो साथ हमें रेस भी लगेगी हमारी। और आप देख ही सकते हो, अरे गाइस उसके उधर की साइड भी कोई ट्रेन है गाइस, जो कि हमसे आगे निकल चुकी है, उसको सिग्नल पहले ही मिल चुका है, हमको बाद में मिलेगा। और यहाँ पर हमारी ट्रेन चल चुकी है, हमें भी सिग्नल मिल चुका है, और यहाँ पर हमारी ट्रेन को सिग्नल मिल चुका है, और उधर की साइड एक और ट्रेन को सिग्नल मिल चुका है, तो गाइस हम उसे करेंगे ओवरटेक। हाँ गाइस आप अब आपको आएगा मज़ा, क्योंकि मेरे को दिख रहा था अभी तक कोई क्रॉसिंग नहीं मिली हमको, फिर पता चला रतलाम जंक्शन पे मिलेगी हमको क्रॉसिंग। और यहाँ पर हम दो ट्रेनों को ओवरटेक करेंगे, एक तो ये खड़ी है जो उसके बाद हम थोड़े आगे जाने के बाद एक और ट्रेन को ओवरटेक करेंगे। और यहाँ पर वो ट्रेन सामने की साइड जा रही है, आपको दिख रही होगी, तो हम उसे करेंगे ओवरटेक, वो भी अपनी स्लो स्पीड, क्योंकि फुल स्पीड होगी तब तक तो हम ओवरटेक कर चुके होंगे। और यहाँ पर हमारी ट्रेन की स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो चुकी है, और हम इस ट्रेन को ओवरटेक करने वाले हैं। और यहाँ पर ये ट्रेन बस ओवरटेक होने ही वाली है जस्ट, और यहाँ पर हम इस ट्रेन को ओवरटेक कर चुके हैं, आप देख ही सकते हो। वापस से आपको ओवरटेक दिखाता हूँ, देखना गाइस 3-2-1। और यहाँ पर हम इस ट्रेन को ओवरटेक करने वाले हैं, अब देखना गाइस आप असली ओवरटेक। और यहाँ पर हम इस ट्रेन को आगे निकलते हुए इस ट्रेन से, वो भी 110 की स्पीड से, आप देखना गाइस। और ये ट्रेन हमें आगे जाके ओवरटेक करेगी, क्योंकि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन आने वाला है कोटा जंक्शन, तो हमें आगे जाके ओवरटेक करेगी, तो भी हम एक बार ओवरटेक तो कर ही देंगे इसे। और यहाँ पर हम इस कोई पुलिया आने वाला है, मेरे हिसाब से पुलिया तो नहीं आएगा गाइस, क्योंकि कोटा जंक्शन के आसपास तो कोई पुलिया नहीं पड़ता, अगर पड़ता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अरे गाइस ये रहा पुलिया आ चुका है, मेरे को लगा कोई पुलिया नहीं पड़ता, पर यहाँ पर एक पुलिया ज़रूर है, उसका रिवर है ये। और यहाँ पर हम आ चुके हैं कोटा जंक्शन पर, जिस यहाँ पर हमें उस ट्रेन का ओवरटेक देखने को मिलेगा, कोटा जंक्शन पर हमें वो ट्रेन ओवरटेक करेगी, आप देखना गाइस थोड़ी देर में वो हमारे पीछे पीछे आ रही है, तो आप देखना ओवरटेक। अरे गाइस ओवरटेक कर चुके, अरे जल्दी जल्दी दिखा दिखा मेरे भाई, ये देखो गाइस क्या ही स्पीड में उस ट्रेन ने हमें ओवरटेक कर दिया है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी, मुझे पता है ये थोड़ी लंबी हो चुकी है, उसके लिए सॉरी गाइस। अगर आपको मज़ा आया हो तो कमेंट करना, मैं ऐसी लंबी वीडियो बनाता रहूँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को आप लाइक किया करो गाइस, क्योंकि मैं आजकल वीडियो बहुत कम अपलोड कर रहा हूँ, तबीयत खराब है, तो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हमारे 7K सब्सक्राइबर होने में बहुत ही कम सब्सक्राइबर बचे हैं, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करके आपका सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। और गाइस यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं वीडियो अपने फाइनल डेस्टिनेशन कोटा पर, जहाँ पर हमें रोकना है, और यही तक था हमारा, यही तक था सफ़र अपना, और यहाँ पर हमारा सफ़र ख़त्म हुआ। और टाटा गाइस, थैंक यू सो वॉचिंग वीडियो।